ओम शांति। बाबा की हम सभी के लिए एक बहुत सुंदर टीचिंग है कि बच्चे याद का ऐसा लंबा अभ्यास करो कि अंत में सिवाय एक बाप के कुछ भी याद न आए। ये बहुत ही ऊंची स्थिति है कि हम चारों ओर से ममत्व निकालते चलें, देहधारियों से भी अपनी बुद्धि हटाते चलें, मोह ममता को भी छोड़ते चलें, वस्तुओं पदार्थों और साधनों से भी अपनी आसक्तियों को समाप्त करते चलें, अंत में केवल एक की याद आए। यही कर्मातीत अवस्था है, यही पास विद ऑनर होने की पहचान है। क्योंकि अंत में यदि एक की याद नहीं होगी तो आत्मा इस देह में उलझ जाएगी, जबकि आवश्यकता होगी एक सेकंड में देह के त्याग करने की। बाबा हमें बुला रहा होगा, आओ बच्चे मेरे साथ चलो। और जिनको देहधारियों की याद होगी, जो मोह ममता में अटके होंगे, उनके वाइब्रेशंस, उनके बंधन उनको देह से जकड़े रखेंगे। विचार करें, एक ओर बाबा का आह्वान होगा, दूसरी ओर आत्माओं का और वस्तुओं का साधनों का बंधन होगा। ऐसे में आत्मा को बड़ा कष्ट होगा कि चाहते हुए भी आत्मा देह से मुक्त नहीं हो पाती। ऐसे समय में उसे धर्मराज की कड़ी सजाओं की अनुभूति होगी। और जो भगवान के साथ चलेंगे, उनकी वो अंतिम यात्रा बहुत सुखकारी होगी। इस अंतिम यात्रा का बड़ा भारी महत्व है, क्योंकि पुनर्जन्म भी मनुष्य का इसी आधार पर होता है हर बार भी, कि उसकी अंतिम स्थिति क्या है। अंतिम स्थिति जैसी होगी, अंतिम संकल्प जैसे होंगे, वैसा ही दूसरा जन्म प्राप्त होगा। तो ये कल्प का अंत है, इसमें अंतिम स्थिति हमारी जैसी होगी वैसा ही पूरा कल्प चलेगा। ये सूक्ष्म रहस्य हमें याद रखना है, इसलिए बहुत अच्छी एक प्रैक्टिस करेंगे आज ही। देखो एक एक को जिससे आपका ममत्व है। पहले मनुष्यों को देखो, वो आपके प्रियजन होंगे। संकल्प करें, इन सब को छोड़कर हमें जाना है। इसका अर्थ ये कदापि नहीं कि हम अपने जीवन को नीरसता से भर दें, उदासी से भर दें, लेकिन इसका अर्थ है कि हम डिटैच हो जाएं। ये डिटैचमेंट, ये देह से न्यारापन बहुत प्यारा बना देता है सबका। फिर वस्तुओं को देखें, साधनों को देखें, उन सब चीज़ों को देखें जिनसे आपका बहुत लगाव है, चाहे वो ज्वेलरी हो, धन संपदा हो, आपके मकान, कार, कुछ और सुंदर चीज़ें हों। किसी को अपनी घड़ी से ही बहुत ममत्व होता है, किसी को अपने वस्त्रों से ही बहुत ममत्व होता है। उन सब पर एक नज़र डालें और अपने को ये संकल्प दें कि इन सब को छोड़ना है। ये सब विनाशी चीजें हैं, ये हमारे साथ नहीं चलने वाली हैं, छोड़कर हमें जाना है। कुछ समय ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो चित्त अनासक्त वृत्तियों से भरपूर होता जाएगा। तो इस तरह हम अपने को ट्रेंड करते चलें, अपने को न्यारा बनाते चलें, बुद्धि को निर्मोही और अनासक्त करते चलें। ये एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस है, इसमें बड़ा आनंद भी आएगा और जीवन ईश्वरीय रसों से भी भरता चलेगा। धीरे धीरे हमारी बुद्धि चार ओर से डिटैच होगी और ये हमारे लिए एक बहुत ही श्रेष्ठ उपलब्धि होगी। तो आज सारा दिन हम अभ्यास करेंगे, सृष्टि का ये खेल पूरा हुआ, 84 जन्मों की हमारी यात्रा पूर्ण हुई। अब ये सब कुछ छोड़कर, मेरे और मेरा सब कुछ छोड़कर, ईश्वरीय शक्तियों से, खजानों से भरपूर होकर और व्यर्थ विकर्म अपवित्रता से मुक्त होकर मुझे घर वापिस जाना है।
अपने को जाते हुए देखेंगे। आत्मा उड़कर जा रही है परम धाम, पहुंच गई बाबा के पास। कुछ देर उनके पास बैठ गए, उनके वाइब्रेशंस हम में भर गए, फिर नीचे आ गए, देवता बन गए, सतयुग में आ गए। ये अभ्यास आज बार बार करेंगे। ओम शांति।